आज कुर्मी समाज की ओर से केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। भरोसा था केंद्र सरकार से कि झारखंड से कुर्मी जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा झारखंड के कुर्मी प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने मांग की कि कुर्मी समाज की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। आज कुर्मी समाज की ओर से केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। भरोसा था केंद्र सरकार से कि झारखंड से कुर्मी जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन भारत सरकार ने नाम आगे करके भी कुर्मियों को धोखा देने का काम किया है। चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका बंगाल हो, झारखंड में कहीं पर कुर्मी प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल का जगह नहीं देना, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेके पूरे राज्य में झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आज पुतला दहन कुर्मी समाज की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। और अगर केंद्र सरकार बहुत जल्द अगर किसी भी कुर्मी प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गांव-गांव में हम लोग जाके जन जागरण करेंगे। ताकि कुर्मियों ने, झारखंड में विशेष करके कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनको जिता के भेजा है। जितने भी कुर्मी बहुल क्षेत्र हैं, जितने भी चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, गोड्डा हो, इन सभी सीटों पर कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, उनके कैंडिडेट को वोट किया है और उनको जिता के भेजा है। और आज कुर्मियों के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर, 2400 जिला मुख्यालय पर कुर्मी समाज की ओर से आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि कुर्मी जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं, सांसद बने हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना चाहिए। बंद करो, बंद करो, जगह दो।